बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, हल्दी से बनी होम्योपैथिक दवा का महत्व। तो चलिए जान लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, क्या है इसके कॉमन नेम और सोर्स, कहाँ से इनको पाया जाता है और कौन सी ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जहाँ पर हम इन्हें दे सकते हैं और क्या है इनकी डोज, कितनी मात्रा में हमें इन्हें देना है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं और इसका साइंटिफिक कुरकुमा लौंगा है जो कि एक लैटिन शब्द है। इसी नाम से ये मार्केट में आपको कुरकुमा लौंगा मदर टिंचर या पोटेंसी में आपको मिल जाएगी। हल्दी को काफी प्राचीन समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका जो जड़ वाला हिस्सा होता है, रूट वाला हिस्सा, वही मेनली इस्तेमाल होता है। हल्दी को ना सिर्फ दवा के रूप में बल्कि कई अन्य रूपों में, जैसे भोजन में इसके पाउडर फॉर्म को और डाई के रूप में, इंडिकेटर के रूप में, हिंदू धर्म में इसका काफ़ी पवित्र रूप से पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अगर टर्मरिक के हेल्थ बेनिफिट की चर्चा करें तो दोस्तों, टर्मरिक के अंदर कुरकुमिन नामक एक एल्कलॉइड पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हमारी शरीर में एंट्री प्रोसेस, जी हाँ, सूजन वगैरह को रोकता है। हमारी बॉडी में जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, जी हाँ, अगर हमारी एज ज़्यादा हो रही है उसको स्लो डाउन करता है, एजिंग की प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है। नेक्स्ट, हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है, जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी हल्दी बढ़ा देती है। दोस्तों, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को कंज्यूम करके, फ्री रेडिकल हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है और एंटीऑक्सीडेंट इनको कंज्यूम करके हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, अगर हल्दी के क्लिनिकल यूजेज, जी हाँ, कौन सी बीमारी में कितनी मात्रा में देना है अगर इसकी चर्चा करें तो दोस्तों, कुरकुमा लौंगा मदर टिंचर मेनली क्लिनिक्स में यूज़ होता है। इसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपको इंजरी हो जाती है, जी हाँ, अगर वो इंजरी आपको इंटरनल है या एक्सटर्नल, आप कहीं से गिर गए हैं, आपको मोच आ गई है या कट फट गया है, तो दोस्तों, आप कुरकुमा लौंगा को 20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम या आप चाहें तो दिन में चार बार, चार चार घंटे के गैप पर 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर ले सकते हैं। आप अगर चाहें, अगर कंसील्ड इंजरी है, जी हाँ, अगर आपका चोट कटा फटा नहीं है, तो कुरकुमा लौंगा मदर टिंचर को एक रुई के कॉटन में डिप करके उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंसील्ड इंजरी में आप अर्निका 1 mg पावर नाम की मेडिसिन सुबह शाम 2 से 3 दिन खा लें, आपका जो दर्द और सूजन है वो काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको इंजरी इंटरनल भी है, मतलब अगर आपको किसी जॉइंट वगैरह में सूजन है, जी हाँ, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है और वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग है, तो कुरकुमा लौंगा 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में मिलाकर पिएं, आपका जॉइंट पेन भी काफ़ी बेटर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप ग्वेकम नाम का मदर टिंचर भी इसमें मिला लेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट आपको जॉइंट पेन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्किन प्रॉब्लम, दोस्तों अगर आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो, दाँत खाज, खुजली या फिर आपको पिंपल या रैसेस की समस्या है, तो दोस्तों, कुरकुमा लौंगा यहां पर आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। 20 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में मिलाकर लगभग 15 से 20 दिन लें, अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो 1 महीने तक इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं, आपको स्किन के केस में काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, जी हां, नजले की प्रॉब्लम रहती है, तो यहां पर इम्यूनिटी ताकत को बढ़ाने के लिए आप हल्दी का मदर टिंचर 20 बूंद दिन में 3 बार, 20 बूंद बड़े लोग लेंगे, अगर बच्चों को लेना है तो 10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें, लगभग 1 महीने तक सेवन करें, आपको जो फ्रिक्वेंट सर्दी खांसी लग रही है काफ़ी कम हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको एवाइना सेटाइवा नामक मदर टिंचर और ऑसिमम सैंक्टम नामक मदर टिंचर मिल जाता है तो इन तीनों को मिला लें और आप फ्रिक्वेंटली इसका सेवन करें दिन में 3 बार, महीने भर में आपकी जो टेंडेंसी है सर्दी, खांसी, बार बार नज़ले की, वो काफ़ी कम हो जाएगी और आप काफ़ी बेटर फील करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों।